हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय माता दी, जय झूलेलाल, जय श्री कृष्णा। सो आज मेरे ट्रिप का डे 3 है एंड 7 साल से मैंने इस दिन का इंतज़ार किया था कि मैं कब केदारनाथ जाऊंगी। एंड यस, बाबा का बुलावा आ गया है। सो अभी कुछ 2:30 बज रहे हैं, हम यहाँ से सीतापुर के लिए जा रहे हैं एंड फिर वहाँ पे हमारा बैग चेकिंग, रजिस्ट्रेशन चेक वगैरह होगा एंड फिर हम हमारा ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरी इस जर्नी के साथ। एक बात मैंने इस ट्रिप से सीखी है, मतलब बाबा का बुलावा देर सवेर आ ही जाता है, तो कभी उम्मीद मत हारना, ज़रूर वो बुलाते हैं। शायद मेरी बारी में थोड़ा सा समय लग गया, बट यस, अभी तो मैं जा रही हूँ क्योंकि बैग्स वगैरह पीछे पैक, मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं। सो अभी सब निकलेंगे। प्लीज़ 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 जुड़े रहिएगा इस जर्नी में। हर हर महादेव। हो गया, जिसके पास यात्रा पर्ची नहीं है ना, मेरे को मैसेज कर दे एक बार पर्सनली। नेटवर्क प्रॉब्लम बोला। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑलमोस्ट हमें 2-2.5 घंटे लगे सीतापुर आने के लिए। 2:30 निकले थे, अभी कुछ 4:45 बज रहे हैं। सो सीतापुर से हमें अभी यहाँ का जो लोकल व्हीकल है वो पकड़ के जाना है गौरीकुंड के लिए। बट उसके पहले यहाँ से हमें सोनप्रयाग तक पैदल जाना है, फिर वहाँ से हम लोकल गाड़ी करके जाएंगे गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। तो अभी हमने एक हॉल्ट लिया है यहाँ पे, मतलब पार्किंग एरिया में एक वॉशरूम है, तो सब लोग वॉशरूम वगैरह जाके फ्रेशन अप होके फिर डायरेक्टली स्टार्ट होंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। यस, वेदर यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी है बट उतनी नहीं, बट अभी आगे पता चलेगा जैसे जैसे ट्रैक हमारा आगे स्टार्ट होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। केदारनाथ सुनकर ही ऐसा लगता है ना कि बैग पैक करूँ और अभी घर से निकल जाऊँ। तो यूं ही कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने भी मेरा बैग पैक किया और निकल पड़ी केदारनाथ के सफ़र के। वैसे तो भैया सब बुलावे का खेल है, बस बाबा की रजामंदी हुई और आप निकल पड़े घर से। तो कुछ इसी तरह मैं भी 5 बजे सुबह लाइन में लगी हुई थी रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के लिए। हाँ जी, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये रजिस्ट्रेशन चेक की लाइन है, बहुत बड़ी। तो 40 मिनट लाइन में स्ट्रगल करने के बाद मैं फाइनली डॉर्मेट्री यानी कि क्लॉक रूम की तरफ पहुंच गई। यूजुअली मैंने तो मेरा बैग कैरी किया था, बट आप यहाँ पे क्लॉक रूम में अपने सामान रख सकते हो। पर डे का 100 आपका जो भी एक्स्ट्रा लगेज है, वैल्यूएबल्स है, आप यहाँ रख सकते हो। और एक छोटू बैग कैरी कर सकते हो जो आप पूरे सफ़र में लेके चल सकते हो अपने साथ। और रजिस्ट्रेशन चेक करवा के सोनप्रयाग से आ गई हूँ टैक्सी स्टैंड, जहाँ से हमें टैक्सी करके जाना है गौरीकुंड। और ये खूबसूरत नज़ारा इंजॉय करते हुए हम सब निकल पड़े गौरीकुंड की ओर। और यहाँ से शुरू करना था हमें हमारा एक्चुअल ट्रैक। यहाँ पे इस बोर्ड पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट, जो अगर आप चाहें यहाँ से पिट्ठू करवा सकते हो, घोड़े करवा सकते हो। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं चाय पीते होते आराम से आगे बढ़ूँगी। सो फर्स्ट स्टेज है गौरीकुंड। गौरीकुंड से यात्री श्रद्धालु जो है स्नान करके आगे बढ़ते हैं इस सफ़र में। इसे पार्वती कुंड भी कहा जाता है एंड कहा जाता है कि पिता महादेव ने जो है माँ गौरी को यहीं पे ही उनका प्यार एक्सेप्ट किया था। और यहीं से 13 किलोमीटर दूर उनका विवाह हुआ था त्रियोगी नारायण मंदिर में। और हाँ, इस कुंड का पानी हमेशा गर्म होता है। बोलो श्री केदारनाथ बाबा की जय। सो ये है हमारे केदारनाथ का मेन एंट्रेंस, जहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होती है, जिसे इवेंचुअली 16 किलोमीटर कहा जाता है। सो यहाँ पे मौसम तो बहुत खूबसूरत है, धूप है,
तो आई प्रे कि आगे का सफ़र जो है वो काटने में आसानी हो, और इस सफ़र में जुड़े रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आगे जो हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ चलते मुझे 1 ही किलोमीटर हुआ है और आप मेरी शक्ल देख सकते हो, ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत चली हूँ मैं। बाय द वे कुछ सजेशंस है आपके लिए वाइल्ड ट्रैकिंग, मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड रहो, तो यहाँ पे जो है पानी वगैरह का बोझा लेने से बेटर है आप एक बॉटल भी यूज़ कर सकते हो, उसको आप रीफिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो झरनों का पानी है बहुत ही साफ़ है और वो आपके पैसे बचाने में भी आपको बहुत हेल्प। और ये है यहाँ के एक्चुअल रास्तों का नज़ारा। जी हाँ, कुछ ऐसे ही रूट से पिट्ठू घोड़े और लोग जो है यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं। सो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप एक अच्छे पेयर ऑफ शूज़ लाएँ अपने साथ, ताकि आपको ट्रैकिंग में आसानी हो। वैसे केदारनाथ को पापों से मुक्त करने वाला धाम भी कहा जाता है, ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। एंड इसकी जो स्टोरी है वो भी महाभारत के युद्ध से रिलेटेड है, बिकॉज जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ था तब पांडवों से बाबा भोलेनाथ जो है नाराज़ हो गए थे, क्योंकि उनको अपने भाइयों की मृत्यु का पाप लगा था। सो पापों से मुक्त होने के लिए वो बाबा महादेव के दर्शन करने कैलाश पर्वत गए थे, बट वहाँ पर महादेव नहीं थे, उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिया। बट स्टिल पांडव तो पांडव हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उत्तराखंड पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धरा था और वो जो है पशुओं के बीच में चले गए। एंड हमारे पांडव में से जो हमारे भीम हैं, उन्हें डाउट हुआ कि इनमें से कोई ना कोई महादेव है, सो उन्होंने अपनी शक्ति को दिखाया और बहुत बड़ा रूप ले लिया। एंड भीम ने जो है 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, तो अब तो जो गाय बैल है वो तो निकल गए, बट उसमें से एक बैल जो था वो हिलने के लिए ही रेडी नहीं था। सो भीम तो समझ गए कि ये तो महादेव ही हैं, कोई और नहीं, और उन्होंने अपनी फुल अपनी एनर्जी से उसे पकड़ने की कोशिश की। सो बैल तो अंतर्ध्यान होने लगा, लेकिन भीम ने जो है उसकी पीठ पकड़ ली। और हमारे बाबा इतने बोले हैं ना कि उन्होंने उनकी ये भक्ति और संकल्प देख के हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। एंड पांडवों ने भी उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे विराजमान हो। इसीलिए जो केदारनाथ है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, एंड इसे 5 केदारों में से भी एक केदार कहा जाता है, जहाँ पे पीठ का पार्ट है। और यहाँ तक आते आते मेरी शक्ल और मेरा ऑक्सीजन लेवल दोनों ही फटाक से ड्रॉप डाउन हो गया था। सो अपने साथ प्लीज़ एक कापूर की पोटली कैरी करना टू हेल्प यू टू टेक ऑक्सीजन। हेलो एवरीवन, सो सीतापुर के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ शूट कर रही हूँ। अभी भी ऑलमोस्ट कुछ 3:30 हो रहे हैं, 3:30 पौने 4, और मैं स्टिल यहाँ पे, और 7 किलोमीटर्स हैं। ये जो बोलते हैं व्लॉग्स में या जो रील्स वगैरह आती हैं 22 किलोमीटर 26 किलोमीटर, नहीं भैया 30 किलोमीटर है टोटल रास्ता। और मेक श्योर अगर आप आ रहे हो ना केदारनाथ, तो सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आना, 1 महीना पहले से ट्रैकिंग वगैरह शुरू कर देना, कुछ वॉक वगैरह स्टार्ट कर देना। ट्रस्ट मी, बिल्कुल बिल्कुल भी इजी नहीं है, जैसे हमें लगता है ना ये वीडियोस में रील्स में देख करके, बिल्कुल इजी नहीं है ये। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 12 आवर्स का जर्नी, फाइनली मैं लिंचोली पहुंची। नीचे से घोड़े सिर्फ यहीं तक लाए जाते हैं, इसके आगे हमें पैदल ही चलना होता है, जो और 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है। सो अब मैं जा रही हूँ नंदी बेस कैंप, जहाँ पे हमने डॉर्मेटरी रूम बुक करवाया है। यह पीछे वेदर कंडीशन देख सकते हो, धूप से एकदम से बारिश, कोई भरोसा नहीं है मौसम का। लिंचोली से विदिन 500 के डिस्टेंस पे है नंदी बेस कैंप, जहाँ पे आप रुक के डॉर्मेट्री रूम्स ले सकते हो, बेड्स ले सकते हो, शेयरिंग रूम्स ले सकते हो, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 to 5000 के बीच में। एंड येस, ये रेट्स सीजनली होते हैं, इट्स नॉट फिक्स्ड। मुझे या हमारे ग्रुप को बुकिंग कराने की नीड नहीं थी, क्योंकि वो इंक्लूसिव पैकेज था। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जो ट्रिप है वो बजट फ्रेंडली हो और अप टू द मार्क हो, सो प्लीज़ इंस्टा पे फॉलो कीजिए किंग हिल ट्रैवल्स। येस, मैंने पर्सनली इनसे मेरा पूरा ओवरऑल पैकेज बनवाया एंड मुझे बेस्ट सूटेबल प्राइजेस मिले, जिसमें मुझे अच्छी सर्विस मिली, अच्छा फूड मिला, अच्छा स्टे मिला। टू नो मोर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हरन महादेव दोस्तों, सो आज है 26 जून, बुधवार का दिन, और सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं और हम सब लोग जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। सो सुबह 5 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाते हैं, और श्रद्धालु जो हैं आधी रात से कहो या रात भर से ही जो है लाइन में लगे रहते हैं। सो हमने प्रसाद बाबा लिया। के लिए, और ये है मेन लाइन, जहाँ पे 2-3 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाता है। अभी करीबन कुछ 5:45 हो रहे हैं, स्टिल हम लाइन में हैं, और ये सब हमारे ग्रुप के मेम्बर्स वेट कर रहे हैं।
ना ना आके लेने केशव जी जय भोले हर हर महादेव हर हर महादेव। सो सुबह के 7:15 बज रहे हैं और स्टिल हम लाइन में हैं। ऑलमोस्ट पिछले 4 घंटों से हम लाइन में ही थे। सो यहाँ तक आते आते जो हमारी एक्साइटमेंट लेवल थी वो एक्सट्रीम हो गई थी। अब बस ऐसा था कि जल्दी से जाएं और बाबा के दर्शन करें हम। एंड नेक्स्टली यहाँ पे अभी थोड़ी बारिश भी होना शुरू हो गई है एंड यहाँ पे मौसम जो है पूरा सा फॉगी फॉगी हो गया है। आदर्श, सुदर्शन, 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 जय श्री कृष्ण। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुबह के बज चुके हैं 8 और हम पहुंच चुके हैं बाबा की चौखट पे। अब यहाँ तक ही हम शूट करेंगे, आगे जो है सिर्फ और सिर्फ दर्शन होंगे। इसके आगे फ़ोन अलाउड नहीं है, आप अपने पास रख सकते हैं, अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, तो आज हम उसी चमत्कार को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। साल 2013 में आई बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर के पीछे विशाल चट्टान डिस्टेंस पे रुकी। ऐसा लगा जैसे किसी डिवाइन पावर ने उसे रोका है और उसी चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। न मानो तो कंकर, अगर मानो तो शंकर। सो मंदिर के पीछे काफ़ी सारे लोगों ने अपने घर बनाए हैं। मान्यता है अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हो और वहाँ पे अपने पत्थरों से ऐसा घर बनाते हो तो इवेंचुअली आप आपका खुद का घर बहुत जल्दी खरीदते हो। वो तो पाइपलाइन बनी घर है। और मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी बनाई हुई है। ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और आप ऊपर से भी दर्शन कर सकते हो कुछ इस तरह। और 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने श्री आदि गुरु शंकराचार्य का आश्रम स्थल का उद्घाटन किया था। इट्स वेरी हार्ड टू से गुड बाय। अब एक और बार आऊँगी ज़रूर, पर अब अकेले नहीं, अपने पार्टनर के साथ आऊँगी। अब इतनी सारी बल्क ऑफ एनर्जीज स्ट्रेंथ बाबा का आशीर्वाद लेकर जा रही हूँ एंड आई प्रे दिल से कि जो भी मेरे सारे व्यूअर्स हैं बाबा उन सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। प्लीज़ निराश मत होना, आज नगर आपका बुलावा भी जरूर आएगा। हर हर महादेव। कभी भूलूंगी नहीं मैं ये दिन, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन हो गए। जो मेरे 7 साल का इंतज़ार था फाइनली वो पूरा हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। कल हम आए थे कुछ यहाँ पे 6:30 हो गए थे, मैं आते थे आके मैं सो गई। डिनर बहुत लोगों का स्किप हुआ और क्योंकि हमें रेस्ट करना था और अर्ली मॉर्निंग हमें दर्शन के लिए भी जाना था। सो नंदी बेस कैंप में हमारा स्टे था, जो यहाँ के डॉर्मेटरी बेड्स होते हैं। सो हमने यहाँ स्टे किया, वहाँ पे दर्शन किया। दर्शन करते करते ऑलमोस्ट 9 बज गए हमें आज मॉर्निंग में, इतनी देर की बड़ी लाइन थी। सो ओवरऑल सारा सब कुछ अच्छा हो गया। इस बार मैंने 2 व्लॉग्स मर्ज किए हैं, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। आगे हम कनेक्टेड रहेंगे। प्लीज़ ट्रैकिंग 1 महीने पहले ही शुरू कर देना अगर आप प्लान कर रहे हो केदारनाथ आने का। यहाँ का ट्रैकिंग इजी नहीं है, ट्रस्ट मी एंड मार्क माय वर्ड्स। मैंने बहुत व्लॉग्स देखे बट मेरा यही था कि महादेव स्ट्रेंथ दे देंगे, जो देते भी हैं, बट इतना ईजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। घोड़े पिट्ठू सर्विसेज अवेलेबल है, हेलीपैड्स के थ्रू भी आप आ सकते हो। सारा सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ क्योंकि हमें हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मूव करना है और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। हमें जल्दी निकलना है, हमें 5 बजे कुछ 11 बजे अभी 5 बजे हमें सीतापुर पहुँचना है क्योंकि वहाँ से हमें जाना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। हर हर महादेव। जय माता दी। जय जय लाल।